अध्यक्ष महोदय, हम शुरू करेंगे विनोबा भावे जी के उस लाइन से जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अंग्रेजों ने जो स्वतंत्रता दी वह उनके पॉकेट में ही रही। आचार्य ने यह बात आजाद भारत की विषमताओं को लेकर और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में समुचित दोहन को लेकर के उन्होंने कही थी। मैं बहुत ही दिल से कहना चाहूंगा कि मैंने भी उस इलाके के प्रत्येक राज्यों में बहुत प्रकृति को देखने के ख्याल से लंबे समय से बचपन से मैं जाता रहा हूं, लेकिन लगता है कि भारत के भीतर एक दूसरा देश बसता है। चीन की संस्कृति से प्रभावित खान पान, प्राकृतिक विविधताएं, नदी में लिपटा संसार सबसे लंबा द्वीप कंचनजंगा की बर्फीली पहाड़ी, सर्पीले रास्ते, दुनिया का सबसे नम स्थान, घने मनोरी जंगल, मूसलाधार बारिश, चाय के बाग, सौंदर्य विखरता परंपरागत आवास और जंगलों में गेंद या याक, ऐसी स्थिति परमात्मा और प्रकृति और अध्यात्म का संगम है नॉर्थ ईस्ट। इसको हमारे इतिहासकारों ने बड़े ही हृदय से, दिल से, मन से, कर्म से स्वीकार किया और हमेशा कहते रहे। कभी कभी एक बात आती है, पहले अंडा या पहले मुर्गी, पहले अंडा, पहले मुर्गी, पहले मुर्गी, पहले अंडा। यह सवाल नॉर्थ ईस्ट के साथ राजनीतिज्ञों ने और राजनीतिक व्यवस्था ने लगातार करता। मैं मानता हूं कि इस देश की कोई भी समस्या राजनीतिज्ञों की सबसे बड़ी उपज है और राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी, और नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से शोषण किया गया हमारे ही भारत के लोगों के द्वारा, आज नॉर्थ ईस्ट की स्थिति भूख, गोली, नशा, नफरत को बनाने में जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था ने जो लगातार प्रयास किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आश्चर्य होगा जितेंद्र जी कि अन्याय, शोषण इस कदर संगठित होकर के जुल्म किया उस इलाके में, संगठित। हम जुमले, मुहावरा और किताबों से अलग हट करके नॉर्थ ईस्ट को देखने के लिए हम आपसे आग्रह करें। किताबों के पन्नों से विकास तब न होगा जब शांति और अमन की बात आप करिएगा। विकास तब न होगा जब असुरक्षा की भावना नॉर्थ ईस्ट के लोगों के भीतर से आप खत्म करिएगा। सैकड़ों वर्षों से, अब यदि मैं बीपी मेनन या अन्य लोगों का नाम मैं लूं और जिस तरीके से राष्ट्रीयता और उपराष्ट्रीयता में नॉर्थ ईस्ट को बांटा गया, भारत के ही लोग और राजनीतिक लोगों ने उपराष्ट्रीयता में नॉर्थ ईस्ट को और राष्ट्रीयता में अपने को, जिसको देखिए चीनी, नेपाली, आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं लगता है उनके भीतर आज भी संशय और असुरक्षा की भावना बनी हुई है हमारे ही गलत आचरण, व्यवहार और तरीके के कारण। चाहे नागा राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे मिजो शस्त्र विद्रोही का सवाल हो 60 के दशक में, चाहे सिक्किम का दर्जा 1947 भारत का सवाल हो, चाहे कुकी जनजाति पर जुल्म का सवाल हो, आप इन चीजों को समाप्त किए सभी राज्यों में स्वाधीनता, स्वायत्तता का जुनून है उस इलाके में। मैं बहुत ही मानवर, हमको किसी सोल्यूशन में नहीं जाना है। सभी लोगों ने, खास तौर पर अजमल जी और हमारे मित्र नागालैंड के अभी और यहां जो भी लोगों ने विकास के बारे में कही, मैं बार बार सही एक बात, ये जो विकास के मामले में सबसे पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे,
वहां की प्रकृति को अपने, वहां के नेचर को अपने जीवन में आप उतार लीजिए किसी रूम में। प्रकृति संसाधन इतना है, भारत की सरकार को कोई संसाधन देने की जरूरत नहीं है, नीयत ठीक कर लेने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन राज हो सकता है, इलाका हो सकता है, हमको संसाधन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, कथनी और करनी। एक कठौती में गंगा तो मन करे चंगा, अंग्रेज जितना भारत को दूसरे देश से लूटा, उतना भारत के राजनीतिज्ञों ने नॉर्थ ईस्ट को द्वैम दर्जा के रूप में देखने की कोशिश की। द्वैम दर्जा, वो भारत का एकल दर्जा नहीं है, द्वैम दर्जा के रूप में हमने नॉर्थ ईस्ट को देखा। इसीलिए जो वाटर की बात हो रही है, जो सबसे पहले जो बड़ी नदी के बारे में कहा हमारे अजमल जी, आप सच्चाई है बगैर उसके की बात सही है, आप उस पर बहुत बड़े, हम दुनिया को अध्यक्ष सभापति महोदय एक मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे, हम तीन चार पॉइंट, एक तो विशेष सुविधा आपसे आग्रह करेंगे, टूरिज्म के साथ अभी हमारे मित्र ने टी के चाय बागान में जिस तरीके से मालिक और दलालों का शोषण होता है उसको आप प्राथमिकता पर ध्यान में रखिएगा, यह अंग्रेजी के समय से शोषण की प्रक्रिया चली आ रही है। तीसरा ऊर्जा, आप उस वहां के नदी और पानी और नालों को आप ऊर्जा के रूप में, पूरे देश को ऊर्जा में सशक्त कर सकते हैं और वहां आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं जो वहां के बड़े बड़े, तीसरा बोडो और राजवंशी कुछ जातियां, सर लास्ट करो, बोडो राजवंशी कुछ जातियां हैं असम में हैं और जगह हैं, हम चाहेंगे ऐसी जाति जो अत्यधिक इस हिंदुस्तान में दलित से भी ज्यादा परेशान है, हम आग्रह करेंगे कि कुछ जाति, अनुसूचित जाति में आपसे कई बार आग्रह किए हैं कि हमें अनुसूचित जाति में लिया जाए, उस इलाके के राजवंशी बोरो खासतौर पर राजवंशी को अनुसूचित जाति में लेने की व्यवस्था। फ्लड की, फ्लड का सॉल्यूशन सबसे पहले आप यदि कुछ कर सकते हो तो उस इलाके में फ्लड और उस लगातार जो पहाड़ को टूटने और ढहने की व्यवस्था है उससे आपको, और दूसरा चीज आपको उग्रवादी टाइप के जितने भी हमारे संगठन हैं जो असुरक्षा के कारण वो अलग थलग पड़े हैं, उनसे वार्ता करके आपको उन्हें बताना होगा कि वो भारतीय है, भारत उसके सम्मान, उसकी आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए तैयार है, आपको उसके भीतर असुरक्षा की भावना होगी। मैं मानता हूँ विकास का राह शांति से गुजरेगा, विकास का रास्ता नियत और राजेश जी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज प्लीज उनको बोलने दो। भगत सिंह को एक आतंकवादी के रूप में दिखाना और राहुल गांधी जी को एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में दिखाना और उसके रूप में, मैडम ये मैं नहीं कह रहा, मैडम ये देखिए, मैडम ये इसके ऊपर, मैडम इसके ऊपर लिखा, मैडम इसके ऊपर बच्चों से पूछा जाता है।